सारा ही थिंग्स आई डोंट नो यू। सीरियल से पहले हम यूट्यूब में डाल देंगे। फैब्रिक ऐसा लो कि चार लोग बोले कुछ मैच नहीं हो रहा है। थोड़ा सा मुझे बस यहाँ पे लूज कराना है। मुझे बस उम्मीद है कि आप अच्छा सिल के दोगे। अच्छा बॉयफ्रेंड और अच्छा टेलर ढूंढना बहुत बड़ा टास्क है जीवन का। Everyone, it's Shalini. Welcome back to my YouTube channel. I really hope you guys are doing well. Welcome to third outfit from scratch video on my channel. This one is very very special क्योंकि ये मैं बना रही हूँ रिया की engagement के लिए. Yes, my friend Rhea Thomas is getting engaged और engagement है भोपाल में. जो theme रखा है उसने engagement के लिए girls के लिए golden and boys के लिए black. So मैंने सोचा कि इसमें ना लहंगा stitch कराते हैं. मैं Pinterest में गई and कुछ inspiration मुझे मिला. So मैं चाहती थी कि मैं बनारसी silk का जो लहंगा होता है ना उसमें कुछ बनाओ एंड दीज वर माई इंस्पिरेशन पिक्चर्स। जो लहंगे का बेस है वो मैं व्हाइट या ऑफ व्हाइट ढूंढ रही हूँ एंड उसके ऊपर जो वर्क है वो गोल्डन मिल जाए तो काफी अच्छा हो जाएगा। बट वी विल लुक इनटू फैब्रिक्स। मैं जा रही हूँ तिरुमाला फैब्रिक खरीदने के लिए जो कि अंधेरी वेस्ट में इट्स अ वेरी पॉपुलर मॉल सॉर्ट ऑफ जहाँ पे सब कुछ मिलता है। मुझे पता चला है वहाँ पे फैब्रिक मिलती है, ज्वेलरी मिलती है, लेस वगैरह भी मिल जाता है, तो सब कुछ एक जगह पे है बेसिकली। आई ऑल्सो गॉट टू नो दैट दैट प्लेस इज अ बिट एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू मंगलदास मार्केट जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लोर किया हुआ है। बट मंगलदास इज वेरी वेरी फार फ्रॉम वेयर आई स्टे। सो इस बार मैं तिरुमाला को एक चांस दे रही हूँ। इस बार मैं मुंबई को भी एक और चांस दे रही हूँ। यू नो लास्ट टाइम जो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच हमने बनाया था दिवाली के लिए वो कितना मैसअप था। इट स्टार्टेड आउट मुंबई में, वो फिनिश हुआ भोपाल में जाके 15-20 दिन लग गए उस आउटफिट के पीछे क्योंकि हमें टेलर अच्छा मिल नहीं पाया था। अच्छा बॉयफ्रेंड और अच्छा टेलर ढूंढना बहुत बड़ा टास्क है जीवन का। एनीवे जब मैंने आपको बताया कि मेरा आउटफिट बर्बाद हो गया, मुंबई में प्रॉपर टेलर नहीं मिल पाया, तो मुझे कितने कमेंट्स आए कि शालिनी आपको अजहर के पास जाना चाहिए था, अजहर बहुत अच्छे से सिल देता आपके लिए आउटफिट। नाउ हु इज अजहर? अजहर सारा का टेलर है, सारा सरोश जो कि यूट्यूबर है, क्रिएटर है, मेरी फ्रेंड भी है, वो काफी सारे आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाती है, उनके टेलर का नाम है अजहर। अजहर इज वेरी पॉपुलर ऑन यूट्यूब। ओके थैंक्स टू सारा। आई जस्ट आस्क्ड सारा कि कैन आई गो टू योर टेलर एंड सारा वाज लाइक ऑफ कोर्स यू कैन, कोई पूछने वाली बात है। तो मैं आप लोगों के लिए बेसिकली अजहर के पास जा रही हूँ एंड ऑल्सो आई ऑल्सो वाना सी व्हाट इज दिस फर्स अबाउट कि अजहर कितना अच्छा कपड़ा सिलते हैं। जरा हम भी तो देखें, है ना, हमको भी तो पता चले कि अजहर इतने पॉपुलर हैं, हमारे लिए वो कैसा कपड़ा सिलते हैं। तो चलो पहले शॉपिंग करेंगे आउटफिट का, उसके बाद हम अजहर को कपड़े सिलने के लिए देंगे। लेट्स गो। ओके वी रीच्ड तिरुमाला शॉपिंग सेंटर। दैट्स वर्षा। हाय वर्षा। द फर्स्ट शॉप वी वेंट टू, मुझे यहाँ पे ये वाला फैब्रिक काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, बजट में भी था, इसमें बड़े बड़े फूलों का जरी वाला काम था बट इसमें बॉर्डर नहीं था जो कि मुझे मेरे लहंगे के लिए चाहिए था। सो वी वेंट टू अनदर शॉप एंड दिस शॉप वाज सो बिग, बहुत ही डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फैब्रिक्स यहाँ पे अवेलेबल थे। एक एंटायर सेक्शन वाज डेडिकेटेड ओनली टू बनारसी स्टाइल पैटर्न फैब्रिक। यहाँ पे मुझे ये वाला कपड़ा पसंद आया बट अगेन इसमें बॉर्डर नहीं था। फिर मेरी नजर पड़ी इस कपड़े पे, लुक एट दिस, इट्स सो प्रिटी। इसमें छोटी छोटी जरी की बूटी बनी है, इसमें बॉर्डर भी है। देन आई सॉ सिमिलर पैटर्न जिसमें जरी का काम बड़ा बड़ा था एंड इसमें भी बॉर्डर था। आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ दी पैटर्न्स। आई थॉट कि दोनों को ना एक साथ रख के देखते हैं साइड बाय साइड मेरे ऊपर कैसा कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। डिसाइड तो हो चुका था कि दोनों में से कोई एक लेना है। वर्षा रियली हेल्प मी आउट विद पिक्चर्स एंड वीडियोस कि कौन सा पिक्चराइज अच्छे से हो रहा है और कौन सा ज्यादा निखर के आ रहा है कैमरा में। एंड वी एंडेड अप सिलेक्टिंग द वन जिसमें बड़ी बड़ी जरी की बूटे थी। फैब्रिक लेने के बाद आई वेंट टू द अदर सेक्शन ऑफ द शॉप टू गेट मैचिंग दुपट्टा। दे टोल्ड मी दैट दे हैव बनारसी सिल्क पैटर्न दुपट्टास आल्सो। कुछ दुपट्टा मुझे ऐसे खास पसंद नहीं आ रहा था। आई लुक्ड अ लॉट। फिर मैंने सोचा कि प्लेन दुपट्टा लेके प्रॉब्लम है, उस पर कुछ काम करवा लो। एंड देन आई सॉ अ दुपट्टा विच वॉज परफेक्टली मैचिंग विद माई फैब्रिक, सो आई गॉट इट। वॉज अंडर 1000 रुपीज। मैं चाह रही थी कि थोड़ा पैसे और कम कर लेते उस दुपट्टे का बट वो कर नहीं रहे थे। कुछ कम नहीं गया, कुछ भी कम नहीं गया। Guys, damage has been done. This is the amount. We are buying lace now for the blouse. These are the two options. वो Sabyasachi style blouse बनवाऊंगी मैं. They have lot of collection for gold and rose gold both. Let's just try to match it. So this option, ये भी बहुत बड़ा है भैया. इससे और पतला चाहिए. जैसे ये है ना? Look, it looks like it is matching. Nice. Yeah. Such pretty collection for the ladkan. Let's try to match something. Thing is so pretty, but हमारे काम का कुछ नहीं।
This is too gold. And then this is too pink. Again too gold. क्या हो तुम भाई? फैब्रिक ऐसा लो कि चार लोग बोले कुछ मैच नहीं हो रहा है. दिस इज मैचिंग नो और इज इट टू मच? इट्स टू मच क्या वर्षा? आई थिंक इट इज टू मच. ब्लाउज इज ऑलरेडी टू मच. दिस इज मैच विद द बॉर्डर आल्सो आई टुक ना. सो वी आर गेटिंग दिस वर्षा वाज अ ह्यूज हेल्प. थैंक गॉड फॉर वर्षा क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी. एंड दिस तिरुमाला यहाँ पे सब मिलता है. रेडीमेड कपड़े भी मिल रहे हैं, आपको फैब्रिक चाहिए वो भी मिल रहा है. एंड टेलर की शॉप भी है यहाँ पे, लेस की शॉप भी है, इट हैज एवरीथिंग. ज्वेलरी शॉप भी है यहाँ पे. अब हम कल जाएंगे मनीष मार्केट टू गेट दी फैब्रिक स्टिच. दिस इज़ दी नेक्स्ट डे. मैं जा रही हूँ कपड़े स्टिचिंग के लिए देने के लिए. आज हम आर्टिस्ट से मिल ही लेते हैं जिन्होंने सारा के इतने अच्छे अच्छे कपड़े सिले हैं. उनका मैजिक और कमाल हम भी तो देखें, इतनी तारीफें सुनी. आई कॉल्ड हिम एंड आई टोल्ड हिम दैट आई एम गोना कम इन 40 मिनट्स. आई थिंक ही हैज़ नो आइडिया हु आई एम एंड आई एम सारा फ्रेंड और व्हाट सो एवर. बट या मतलब मेरे अच्छे कपड़े सिल जाए जैसा मैंने सोचा था वैसे सिल जाए, और क्या चाहिए. थोड़ी आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है इसकी वजह से, ऐसा शक्ल है मेरा. बट वी गोना डू व्हाट वी गोना डू. लेट्स गो. माई फ्रेंड शोभना इज गोना जॉइन मी. शी इज हियर फॉर one day to stay with me and I'm going to take her with me. I reached Azhar Ladies Tailor place but he's not here. Wo abhi Tirumala pe hai jahan se humne kapda liya hai. By the way, say hi to Shobhna. Hi. Shobhna, thank you so much for doing this for me. Sara he thinks I don't know you. Doubt her kon. Nahi aapko to nahi dekha. Sara he also does not watch your videos. Maine video mein dekha tha. ओके, बहुत लेग पुलिंग हो गई, अब काम पे आते हैं. फर्स्ट आई एक्सप्लेन्ड हिम द पैटर्न एंड द स्टाइल ऑफ द लहंगा दैट आई वांट. उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ अपने इनपुट्स दिए कि क्या क्या और मैं ऐड करवा सकती हूँ टू मेक द लहंगा जैसा मैंने इमेजिन किया है वैसा. डिजाइन और पैटर्न नोट डाउन करने के बाद अजहर भाई ने मेरे बॉडी मेजरमेंट्स लिए अकॉर्डिंग टू द डिजाइन. और मैंने लहंगे का लेंथ ना बहुत लंबा नहीं रखवाया था बिकॉज मैं 1 इंच हील पहनने वाली थी. मुझे बहुत उम्मीद है कि आप अच्छा सिल के दोगे, अच्छा सिल के देंगे, मुझे बहुत उम्मीद है. I was saying ki Azhar bhai is being so modest. He's like, main to nahi aaunga na video mein. I'm like, people know you. Aap aaoge. 3 days later. आर आउटफिट इज डन. मैं जा रही हूँ अजहर के पास पिक करने के लिए. 4 दिन में उन्होंने सिल तो दिया, अब जाके वहाँ पे देखते हैं, ट्रायल भी करेंगे कि कैसा आ रहा है मुझे आउटफिट. यहाँ से 40 मिनट लगेंगे मुझे पहुँचने के लिए, शाम का भी वक्त है, ट्रैफिक भी हो जाएगी. एनीवे लेट्स गो. माय लहंगा इज रेडी. हाँ नहीं सही है. तो अभी वो उसका फ्लैट दिख रहा है. अब दिस इज द ब्लाउज. ये पूरा लेस यूज हो गया ना, फिर कम तो नहीं पड़ा ना? नहीं है, बहुत ओ. ही ऑल्सो एडेड दिस फिनिशिंग टचेस टू द बॉर्डर ऑफ द दुपट्टा जो कि ओरिजिनली दुपट्टे में नहीं था. दिस इज माई फर्स्ट ट्रायल और फर्स्ट ट्रायल में ही मैं मान गई आपको अजहर भाई. गुड जॉब. थोड़ा सा मुझे बस यहाँ पे लूज कराना है, एकदम हल्का सा, बाकी कुछ भी कराने की जरूरत नहीं. और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एक हुक. ओके, लास्ट फिनिशिंग टच अप्स एंड माय आउटफिट इज रेडी. इश्क का रंग सफेद पिया ना झलना कपट ना भेद पिया सो द फाइनल लुक ऑफ द आउटफिट. जब वो आउटफिट बन के तैयार हुआ और जब मैंने उसे पहना ना, ओनली सॉन्ग दैट वॉज प्लेइंग इन माई हेड वॉज दिस ओनली, दैट इश्क का रंग सफेद पिया. सो दैट्स द सॉन्ग दैट आई यूज्ड टू रिवील द आउटफिट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन मटेरियल ऑफ द आउटफिट इन डिटेल एंड ऑल्सो द कॉस्टिंग. एवरीबडी लव्ड द आउटफिट. रिया स्पेसिफिकली जो हमारी ब्राइड टू बी है, शी लव द आउटफिट. शी टोल्ड मी दैट दिस इज डेफिनेटली गोइंग विद द थीम ऑफ द फंक्शन जो उसका एंगेजमेंट था. एज आई टोल्ड यू, गोल्डन थीम रखा था उसने गर्ल्स के लिए एंड बॉयज के लिए ब्लैक. सो इट वॉज अ सक्सेस. नाउ ओवरऑल आउटफिट वॉज लुकिंग रियली गुड ऑन माई बॉडी टाइप एज वेल. जो ब्लाउज था ना उसको लेकर मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल थी कि उसका डिजाइन मेरे पे सूट करेगा कि नहीं, क्योंकि ओरिजिनली जिससे इंस्पायर्ड हुआ था वो जो आलिया भट्ट ने आउटफिट पहना था ना, आई थिंक दिवाली पार्टी या कुछ ऐसी था. बट उसका बैक डीप था और मुझे इतना डीप बैक नहीं चाहिए था. सो सब्यसाची का इंस्पिरेशन का भी इंस्पिरेशन पिक्चर मैंने एक निकाला है पिंटरेस्ट से, उसके बाद उसको कॉपी किया गया बेसिकली ब्लाउज के लिए. मतलब डोरी स्टाइल वॉज लुकिंग सुपर सुपर क्यूट. आई रियली लाइक द फिट ऑफ द ब्लाउज ऑल्सो. लेस को लेकर भी हम लोग बहुत स्केप्टिकल थे कि वो अच्छा लगेगा कि नहीं,
बट इट इज रियली कॉम्प्लीमेंटिंग द आउटफिट एज वेल. पीछे से इसे बूंदे बूंदे वाले डिटेल एड हुआ है, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल दैट, बट पीछे से हुक डिटेल दिया गया है. बेसिकली पीछे से खुलता है आउटफिट एंड देन देयर इज अ स्टोरी टू टाई इट अप. कमिंग टू द स्कर्ट इज सो फ्रीकिंग लाइट वेट. कली कट के स्कर्ट बना है और बॉर्डर वाला ही फैब्रिक और मटेरियल चाहिए था मुझे, वही हमको मिल गया. बहुत ही सुंदर तरीके से स्टिच हुआ है. इस स्कर्ट के लिए वॉल्यूम एड करने के लिए दो लेयर अस्तर के यूज हुए हैं, एक नॉर्मल अस्तर लेयर एंड उसके बाद एक और अस्तर लेयर के नीचे कैन डिटेल एड हुआ है, जिसकी वजह से इतना वॉल्यूमिनस लगता है नीचे से स्कर्ट. जब घूमो तो इतना अच्छा सुंदर फ्लेयर आता है स्कर्ट का. और स्कर्ट ना डोरी वाली भी है और हुक वाली भी है, तो हुक लगा के आप डोरी से टाइट कर सकते हो. एंड देन देयर इज दिस खूबसूरत सा लटकन. लटकन देख के मुझे प्यार हो गया था, बट अगेन आई वाज स्केप्टिकल कि आजकल लटकन पहनते कि नहीं, बट आई वाज लाइक नो लेट्स जस्ट ऐड इट. एंड देन कम्स द दुपट्टा. मैचिंग जरी वाला दुपट्टा मिल गया मुझे. द ओनली थिंग दैट आई हैड टू डू इन द दुपट्टा, जो कि मुझे अजहर ने सजेस्ट किया, कि आप दुपट्टे की बॉर्डर को सील करो, उसमें फैब्रिक ऐड करो. एंड इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी खरीदा, जिसकी कॉस्टिंग में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी. अगेन जैसा मैंने सोच के रखा था ना आउटफिट, वैसे ही टर्न आउट हुआ है. एकदम बहुत ही खूबसूरत सा ब्राइड्समेड आउटफिट है ये. और बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एंटायर कपड़ा इज दैट आप इसको डाई करवा सकते हो. इट्स अ डाइबल फैब्रिक, आप इसको जो कलर आपका मन कर रहा है उस कलर को डाई करवा के आप अपने लिए स्टिच करा सकते हो. मुझे बेस ऑफ व्हाइट या व्हाइट रखना था, इट्स अ व्हाइट कलर का बेस एंड इट इज डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंटिंग माई स्किन. आई लव इट. जब एक कस्टम फिट आउटफिट आपकी बॉडी पे बहुत अच्छे से बैठता है, उसकी खुशी कुछ और ही होती है. ये सारा कमाल अजहर का ही है. मैंने आउटफिट और डिजाइन अच्छे से उनको एक्सप्लेन तो कर दिया, बट द मैजिक ही डिड विद द फिटिंग एंड लाइक अंडरस्टैंडिंग द डिजाइन, इट्स डेफिनेटली टीम वर्क एंड मेजर क्रेडिट अजहर को ही जाता है. आई एम गोना गिव द क्रेडिट टू हिम, लाइक इतने अच्छे से सिल के दिया उन्होंने मुझे. मैं तो मान गई अजहर की स्टिचिंग को. नाउ कमिंग टू द कॉस्टिंग, आर यू गाइस रेडी? द एंटायर आउटफिट कॉस्टेड मी अंडर 15K. आई एम गोना ब्रेक डाउन द कॉस्ट फॉर यू. फैब्रिक का कॉस्ट है 4,400 रुपीज. मैंने 8 मीटर फैब्रिक लिया और 550 रुपीज पर मीटर का मुझे वो पड़ा. जो इनर लिया मैंने वो फैब्रिक का, वो 6.5 मीटर लिया, 95 रुपीज पर मीटर के हिसाब से 618 रुपए मुझे वो पड़ा. और कुछ एडिशनल फैब्रिक भी खरीदना पड़ा इनर के लिए, अंडर लाइनिंग के लिए फॉर द स्कर्ट एंड ऑल्सो टू एड दैट फैब्रिक टू द दुपट्टा एज वेल, जो कि अजहर ने बाद में खरीदा. मुझे याद नहीं आ रहा कितना मीटर खरीदा उन्होंने, बट 650 रुपीज उसका कॉस्ट था. दुपट्टा जैसा का तैसा हम लोग ने लिया, दैट वॉज 995 रुपीज. और कैन जो अजहर ने खरीदा बाद में वो 650 रुपीज का था. और मैंने वो रोज गोल्ड और गोल्ड लेस का पूरा बंडल खरीदा, जो कि ब्लाउज में यूज हुआ और लहंगे के बॉटम में यूज हुआ, दैट वॉज 200 रुपीज का. और लेस बच भी गया. टू लटकन फॉर द ब्लाउज वॉज 100 रुपीज एंड टू बड़ा बड़ा लटकन फॉर द लहंगा वॉज 400 रुपीज. वो बड़ा बड़ा लटकन है ना, वो हल्का नहीं है, वो हैवी है और उसमें वर्क हो रखा है, तो इट इज प्राइसी आई नो, बट इट्स सो सुंदर. और जो स्टिचिंग कॉस्ट अजहर भाई ने मुझसे लिया वो अंडर 6,500 रुपीज के अंदर का है. सो टोटल कॉस्ट जो मुझे आउटफिट का पड़ा वो है 14,515 रुपीज, विच इज़ अ रियली रियली गुड कॉस्ट फॉर दिस आउटफिट. लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था जब मैंने उनको बताया कि मैंने ये 15,000 के अंदर बना लिया. लेकिन नो नो नो, इट मस्ट बी लाइक 25K का आउटफिट और समथिंग लाइक दैट. आई वाज लाइक नो इट्स नॉट, इट लुक्स लाइक दैट बट इट्स नॉट. एंड यस, आई हैव आल्सो फिल्म्ड द एंटायर एंगेजमेंट मेकअप लुक, विच इज गोना कम सून ऑन माई चैनल. आई वाज फिल्मिंग द ऑटो एंड माई कैमरा बैटरी डाइड ऑन मी, सो अब मैं फोन से फिल्म कर रही हूँ. एनीवे, दिस वाज़ द वीडियो फॉर टुडे. आई रियली होप यू लाइक द आउटफिट दैट वी मेड. मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये कैसा लगा. एंड आई एम गोना सी यू गाइस प्रीटी सून विद ब्रांड न्यू कंटेंट ऑन माय चैनल. बाय एवरीवन, टेक केयर. जाने से पहले सब्सक्राइब.